हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेवेंथ पार्ट ऑफ वीडियो सीरीज लेक्चर ऑफ स्लिट लैम्प। इस वीडियो में हम रेट्रो इल्यूमिनेशन के सेटअप, एप्लीकेशन, डिफरेंट पैथोलॉजीज एंड एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हम रेट्रो इल्यूमिनेशन में एग्जामिन करते हैं। रेट्रो इल्यूमिनेशन के बेसिकली दो पार्ट हैं। फर्स्ट, रेट्रो इल्यूमिनेशन फ्रॉम रेटिना। सेकेंड, रेट्रो इल्यूमिनेशन फ्रॉम आयरिस। में ही पोस्टीरियर स्ट्रक्चर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इंटीरियर स्ट्रक्चर्स की एबनॉर्मलिटीज़ को हाईलाइट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रेट्रो इल्यूमिनेशन फ्रॉम रेटिना। इसमें लाइट रेटिना से रिफ्लेक्ट होकर इंटीरियर ऑकुलर स्ट्रक्चर्स जैसे लेंस, कॉर्निया, विट्रस और इंटीरियर चैम्बर की एबनॉर्मलिटीज़ को ऑरेंज एंड येलो बैकग्राउंड में हाईलाइट करती है, स्पेशली इन डायलेटेड पीपल। नेक्स्ट है इसका सेटअप। यहाँ पे हम लाइट की इंटेंसिटी को मॉडरेट लेवल पे सेट करते हैं। जैसा आप फोकसिंग बार पे देख सकते हैं, मॉडरेट लेवल से हमें ज़्यादा हाई इंटेंसिटी नहीं रखनी है। सेकेंड है स्लिट बीम का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमें वर्टिकल रखना है ताकि एबनॉर्मलिटीज़ हमें बेटर अप्रिशिएट हो सकें, जैसा आप फोकसिंग बार में देख सकते हैं। और नेक्स्ट स्लिट की विड्थ है, जिसे हमें 1.5 टू 2 मिलीमीटर्स के बीच में रखना है। इस तरीके से स्लिट की विड्थ को इससे ज़्यादा नहीं रखना है। नेक्स्ट है स्लिट की हाइट, जिसे हम 2 से 3 mm के बीच में ही रखेंगे, क्योंकि रेट्रो इल्यूमिनेशन फ्रॉम रेटिना में हमें इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सो आप देख सकते हैं कि 2 से 3 mm ही हमें रखना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जर्वेशन आर्म और इल्यूमिनेशन आर्म के बीच का एंगल, जो ये स्केल रिप्रेजेंट कर रही है। इन दोनों को हमें कोएक्सियल रखना है और दोनों के बीच का एंगल 0 टू 10 डिग्रीज के बीच में रखना है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन थोड़ा सा इंक्लाइन हम कर सकते हैं, बट 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन हमें 10x पे ही रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मैग्नीफिकेशन बढ़ाएंगे तो फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगा। और स्लिट लैम्प के फिल्टर को नॉर्मल फिल्टर पे रखेंगे, इस सर्कुलर मार्क पे सेट कर देंगे। अब हम एक एक करके नेक्स्ट पार्ट में कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। ये सब कैप्सुलर कैटरेक्ट है ऑप्टिकल सेक्शन में, और ये रेट्रो इल्यूमिनेशन में है। एक पैच की तरह दिखाई देता है इन ऑरेंज बैकग्राउंड, आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे ये पैच ही रिप्रेजेंट कर रहा है सब कैप्सुलर कैटरेक्ट को। ये एक दूसरा एग्जांपल है जहाँ पे क्या सब कैप्सुलर कैटरेक्ट थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं थोड़ा इंक्रीज साइज पैच है। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉर्टिकल कैटरेक्ट का, जहाँ पे स्पोक्स देख सकते हैं उसके। ये स्पोक्स रेट्रो इल्यूमिनेशन में ब्लैक कलर से कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अगला एग्जांपल है इंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट का, जहाँ पे ये पैची ओपेसिटी देख सकते हैं आप। ये ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट है, फ्लावर शेप कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये केस है जोनुलर कैटरेक्ट का, जहाँ पर वाई सूचर्स देख सकते हैं। रेट्रो इल्यूमिनेशन में क्लियरली आप इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट, जहाँ पे एक पोस्टीरियर पोल पे ओपेसिटी दिखाई देती है, जो रेट्रो इल्यूमिनेशन में ओनियन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये है एंटीरियर पोलर कैटरेक्ट, जहाँ पे आप एंटीरियर पोल पे ओपेसिटी देख सकते हैं और रेट्रो इल्यूमिनेशन में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। नेक्स्ट केस है सबलक्सेशन ऑफ लेंस, जहाँ पे आप लेंस के मार्जिन को देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये है एक नॉर्मल इंट्रा ऑकुलर लेंस इन डायलेटेड पीपल, जहाँ पे आप लेंस के मार्जिन, उसके हैप्टिक्स, सभी चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट केस है ट्रांस इल्यूमिनेशन ऑफ आयरिस का, जहाँ पे हम आयरिस की पिगमेंट्री डेफिशिएंसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं। पिगमेंट डेफिशिएंट और थिन आयरिस होने के कारण रेट्रो इल्यूमिनेशन में हम आयरिस के फाइन फाइबर्स को देख सकते हैं। और नेक्स्ट केस है पेरिफेरल एडेक्टोटोमी का, जहाँ पे आप देख सकते हैं पेटेंट PI। अगला केस है आयरिस की थिनिंग का, जहाँ पे आप लिम्बस के चारों ओर जो हेलोज देख रहे हैं वो आयरिस की थिनिंग के कारण होता है, जो आप अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं रेट्रो इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट केस है माइक्रोस्फेरोफेकिया का, जहाँ पे आप स्मॉल लेंस के मार्जिन को रेट्रो इल्यूमिनेशन में इजीली देख सकते हैं। अगला केस है लेंस कोलोबोमा का, दैट इज़ एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ लेंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, जहाँ पे आप इनकम्प्लीट फॉर्मेशन को रेट्रो इल्यूमिनेशन में इजीली अप्रिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस है मल्टीफोकल आईओएल का, जहाँ पे आप इसके रिंग्स को रेट्रो इल्यूमिनेशन में अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगला केस है इंटीरियर लेंटिकुलस का, जो ऑयल ड्रॉपलेट की तरीके से दिखाई देता है। नेक्स्ट केस है पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी का,
जो पर्ल्स की तरह दिखाई देते हैं रेट्रो इल्यूमिनेशन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम रेट्रो इल्यूमिनेशन फ्रॉम आयरिस के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे लाइट आयरिस से रिफ्लेक्ट होकर इंटीरियर स्ट्रक्चर बेसिकली कॉर्निया में एबनॉर्मलिटी जैसे स्कार, इनफिल्ट्रेट्स, माइक्रोसिस्ट, वैक्यूल्स को हाईलाइट करता है। स्टार्ट करते हैं सेटअप से। सबसे पहले हमें लाइट की इंटेंसिटी को मीडियम टू हाई लेवल पर सेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें स्लिट का ओरिएंटेशन वर्टिकल रखना है ताकि कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ हमें बेटर अप्रिशिएट हो सके, कुछ इस तरीके से जैसा फोकसिंग बार पर देख रहे हैं। और स्लिट की विड्थ को यहाँ भी हमें 1.5 टू 2 मिलीमीटर्स के बीच में रखना है इस नॉब को रोटेट करके, जैसा आप फोकसिंग बार पर देख सकते हैं ये। और नेक्स्ट है स्लिट की हाइट, जिसे हमें यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करना है, 4 to 5 millimeter रखना है, क्योंकि हमें इंटीरियर स्ट्रक्चर बेसिकली कॉर्निया की एबनॉर्मलिटीज़ को हाईलाइट करना होता है। और नेक्स्ट है इल्यूमिनेशन एंगल, ऑब्जर्वेशन और इल्यूमिनेशन आर्म के बीच का, जिसे हमें 30 to 50 degree के बीच में रखना है अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी कि हम किस डेप्थ पे एग्जामिन कर रहे हैं। और स्लिट लैम्प के फिल्टर को हमें नॉर्मल फिल्टर पे ही रखना है, जैसा हमने रेट्रो इल्यूमिनेशन फ्रॉम रेटिना में रखा था। नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन, यहाँ पे हम वेरिएबल मैग्नीफिकेशन यूज़ कर सकते हैं 10x to 40x अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी फॉर बेटर अप्रिसिएशन ऑफ पैथोलॉजीज। नेक्स्ट हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। दिस इज़ बैंड शेप केराटोपैथी, जो कि कैल्शियम का डिपोजिशन है सब एपिथेलियम लेयर में, बेसिकली इन बोमन मेम्ब्रेन एंड सब एपिथेलियम, दैट कैन बी इजीली अप्रिसिएटेड इन रेट्रो इल्यूमिनेशन फ्रॉम आयरिस। नेक्स्ट केस है कॉर्नियल एडिमा का, जहाँ पे आप उस कॉर्नियल एडिमा को और उसकी सरफेस से रेगुलरिटी को इजीली देख सकते हैं इस इल्यूमिनेशन में, आप इजीली अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगला केस है स्मॉल फाइन कॉर्नियल ओपेसिटी का, जो आप दोनों सेक्शंस के बीच में देख सकते हैं, जो इजीली अप्रिशिएट हो रही है यहाँ पे स्मॉल कॉर्नियल ओपेसिटी। इन दिस फोटोग्राफ इट इज़ ऑल्सो अप्रिशिएटेड। नेक्स्ट केस है लार्ज एपिथेलियल वेज शेप डिफेक्ट का, आप इन्फीरियर क्वाड्रेंट में देख सकते हैं एट नियर 6 o'clock पोजिशन में, जहाँ पे ये एरो मार्क कर रहा है, तो आप उस डिफेक्ट का मार्जिन ईजिली अप्रिशिएट कर सकते हैं इस एल्यूमिनेशन में। अगला केस है ग्रेनुलर डिस्ट्रॉफी का, जो मोस्ट कॉमन कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी है, जहाँ पे ये स्मॉल ग्रेनुल्स आप अप्रिशिएट कर सकते हैं रेट्रो इल्यूमिनेशन। ये इसका मैग्नीफाइड व्यू है, ये रेट्रो इल्यूमिनेशन फ्रॉम रेटिना। अगला केस है माइक्रोसिस्टिक कॉर्नियल एडिमा का, जहाँ पे ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं आप। नेक्स्ट केस है केराटिक प्रेसिपिटेट का, जो एंडोथेलियम पे डिपॉजिट्स हैं। नेक्स्ट केस है लैटिस डिस्ट्रॉफी का, जहाँ पे आप कॉर्निया में ये वेजेस देख सकते हैं, ये उसका रेट्रो इल्यूमिनेशन फोटोग्राफ है। अगला केस है मोस्ट कॉमन एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी, जिसे हम फ्यूक्स डिस्ट्रॉफी के नाम से जानते हैं, जो कुछ इस तरीके से अप्रिशिएट होती हैं रेट्रो इल्यूमिनेशन में, और ये इसका व्यू है रेट्रो इल्यूमिनेशन फ्रॉम रेटिना से। लिम्बल वेसल्स को भी हम इजीली देख सकते हैं, इस केस में कॉर्नियल वेसल्स डेवलप हो गई हैं। नेक्स्ट केस है कॉन्टैक्ट लेंस डिपोजिशन का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम इजीली अप्रिशिएट कर सकते हैं इस इल्यूमिनेशन में, जो डॉट लाइक ओपेसिटीज सा दिखता है। ये कॉर्नियल फॉरेन बॉडीज हैं जो अप्रिशिएट कर सकते हैं आप रेट्रो इल्यूमिनेशन में। ये एक ट्रांसपेरेंट कॉर्नियल फॉरेन बॉडी है, जो लाइट को अब्सॉर्ब नहीं करती बट रिफ्रैक्ट करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड कनेक्टेड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।